अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईदा मरियम मुमताज़। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3rd, 4th एंड 5th जनरेशंस। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1st एंड 2nd जनरेशन को। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की जनरेशन को किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है, कि एक ही टेक्नोलॉजी की जितनी भी जनरेशन, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक जनरेशन कहा गया है। इसी तरह जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती गई है तो इसी तरह से जनरेशन को इम्प्रूव करते गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का अगर हम रिव्यू लें तो हमने ये पढ़ा था कि फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं और इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है और अनरिलायबल कंप्यूटर है। मेमोरी भी इसमें इतनी नहीं होती, स्मॉल मेमोरी है और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा होती है यूज़, और इसके अलावा जो है इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम आए सेकेंड जनरेशन में तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़कर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे और स्पीड फास्ट थी, रिलायबल कंप्यूटर्स थे, लेस एक्सपेंसिव थे, और लेकिन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी वो सेकेंड जनरेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर हैं वो इन्वेंट हुए 1963 से 1971 तक जितने कंप्यूटर इन्वेंट हुए वो क्या थे, थर्ड जनरेशन में थे। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप्स यूज़ की गई थी। आईसी चिप्स का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इस टाइप की होती हैं ये, ठीक है। और इसके बाद अगर थर्ड जनरेशन में हम देखें तो आईसी चिप्स ने कंप्यूटर की जो स्पीड और मेमोरी थी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था, अच्छी हो गई थी, स्पीड भी ज़्यादा थी और मेमोरी भी ज़्यादा थी। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर्स थे ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, यानी बिजली का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। और ये कंप्यूटर जो थे वो स्मॉलर थे और चीपर थे, यानी सस्ते थे, और मोर रिलायबल, यानी कि सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लेस एरर प्रोड्यूस करते थे और काम बहुत ज़्यादा अच्छा करते थे। इसके बाद हम देखें तो पहले जो आप लोग वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स वाली जनरेशन पढ़ चुके हैं उनमें मोनीटर्स और कीबोर्ड्स का यूज़ नहीं था। कीबोर्ड और मोनीटर का जो यूज़ था वो थर्ड जनरेशन में आके स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये जो कंप्यूटर हैं इनमें डिफरेंट एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हो सकती थी सेम टाइम में, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना कि कंप्यूटर का जो पर्पज़ था वो मल्टीटास्किंग नहीं था, तो जो मल्टीटास्किंग थी वो थर्ड जनरेशन में आके इन्वेंट हुई थी। इसके एग्जांपल अगर इसकी देखें तो IBM 60, सिस्टम 360। और अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो उनमें माइक्रो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, ठीक है। यानी माइक्रो, ये इन माइक्रो कंप्यूटर थे, ठीक है, जिसको हम फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। और इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर है, और इस एक माइक्रो प्रोसेसर में ये जो आपको नज़र आ रही है ये इतनी सारी आईसी चिप्स हैं, ठीक है, ये सारी आईसी चिप्स हैं। और ये सारी, ये देखें, ये जितने भी हैं ना, ये आईसी चिप्स हैं। तो यानी तो इन कंप्यूटर्स ने और साइज़ उसका जो है वो लेस कर दिया था, क्योंकि जितनी भी आईसी चिप्स थर्ड जनरेशन में यूज़ होती थी वो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आ गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो फास्ट थे और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कि जो मेमोरी थी, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, लार्ज थी। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं या फोर्थ जनरेशन है, ये आजकल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो यूज़ होना शुरू हुई हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो फोर्थ जनरेशन में आके यूज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो साइज़ में स्मॉल हैं, रिलायबल हैं, और पावर जो है वो कम कंज्यूम करते हैं और अफोर्डेबल है, यानी हर बंदा इसको ईजीली बाय कर सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी यूज़ होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो कंप्यूटर्स घरों में यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के इंस्टॉल किए हुए होते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, खेलते हैं। तो वो जो अब इसमें ये जो पॉइंट नंबर 4 है वो यही है कि लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल
फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। और इस कंप्यूटर में आके तो GUI इंटरफेस यूज़ होना शुरू हुआ था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग GUI इंटरफेस। GUI इंटरफेस का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जैसे आजकल का कंप्यूटर है ना, हम लोग आइकन्स होते हैं और इसके अलावा जो है वो बटन्स होते हैं, हमें ग्राफिक्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो GUI इसमें आके इन्वेंट हुआ था। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि DOS यूज़ होता है, यानी कि DOS यूज़ होता रहा, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, यानी जिसमें आप कमांड्स लिख के काम करते थे। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है ये, यानी कि आप लोग जो हैं वो इसमें वीडियोस देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, आपको टेक्स्ट और इमेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया होता है। उसके बाद जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जैसे विजुअल बेसिक हो गई, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे आके इन्वेंट हुई। इससे पहले जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें जो है वो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, यानी कंप्यूटर को जो है जस्ट मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 0-1 वाली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, और ये जो लैंग्वेजेस का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, विजुअल बेसिक, C++, जावा और पाइथन वगैरह, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, ये आपके लिए आसानी होती है, लेकिन आपको ये प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को समझाने के लिए इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्जांपल्स अगर आप इसकी देखें तो डुअल कोर और पेंटियम सीरीज़ और बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाती हैं। फिफ्थ जनरेशन अगर आप लोग देखें तो फिफ्थ जनरेशन का जो गोल था ना वो ये था कि ऐसे कंप्यूटर्स बनाने हैं जो नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें और जिनमें थिंकिंग पावर हो, ठीक है। यानी ऐसी ब्रांच आई है कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना था साइंटिस्ट ने फिफ्थ जनरेशन पे, यानी फिफ्थ जनरेशन जो थी उसमें ऐसे कंप्यूटर्स बनाने थे जो इंसानों की तरह काम कर सकें, ठीक है। यानी सोच भी खुद सकें और उनको पिछले जनरेशन्स की तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमें इंस्ट्रक्शंस ना देनी पड़े, बल्कि ह्यूमन लैंग्वेजेस में वो आपके कोई भी डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे नेचुरल लैंग्वेजेस है ना, इंग्लिश हो गई या कोई भी और लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें तो क्या होते हैं, ये रिबोट्स वगैरह से काम करवाना। इन फिफ्थ जनरेशन AI विल मिनिमाइज टू नीड टू राइट प्रोग्राम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मिनिमाइज कर देगी, यानी ख़त्म कर देगी, ऐसा ऐसा इसको कम कर देगी कि हम कंप्यूटर में कोड्स लिखें या प्रोग्राम्स लिख लिख के इंस्ट्रक्शंस दें। इस तरह की जनरेशन इन्वेंट कर रहे हैं कि हम बोलें और वो जो भी रोबोट्स बनाए हों या एक्सपर्ट सिस्टम बनाए हों कोई, तो वो आप लोगों का लैंग्वेज सुन के तो जो काम आप करवाना चाहें वो कर लें। और ये कंप्यूटर को यूज़र को अलाउ करती हैं कि ये जो भी कमांड्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस में दे सकें, जैसे कि इंग्लिश, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। और फिफ्थ जनरेशन की जो एग्जांपल है उसमें रोबोट और एक्सपर्ट सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से इसके पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।